राम पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। अगर राम चाहते हैं तो अपना नहीं कटवा लेंगे हर जगह। राम मंदिर को लेकर तेजस्वी यादव ने पूछे तीखे सवाल। भूख लगेगी तो मंदिर जाओ के वहाँ उल्टा दान मांग लेंगे। गलत काम करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, राम राम जपते रहेंगे तो राम आपको कृपा नहीं करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राम मंदिर के बहाने अपनी और पीएम मोदी की मार्केटिंग कर रही है। राम मंदिर को लेकर भाजपा पर बरसते हुए तेजस्वी यादव ने पूछा, बीमार पड़ोगे तो अस्पताल ही जाओगे ना, भूख लगेगी तो मंदिर जाने पर खाना मिलेगा, वहां तो उल्टा आपसे दान मांग लेंगे, आप लोगों को जागना होगा। मैं किसी धर्म पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं तो खुद मुंडन करवा कर आया हूं, मेरे घर पर छठ पूजा होती है, भगवान मेरे दिल में है। तेजस्वी ने राम मंदिर के नाम पर सियासत कर रही बीजेपी को घेरते हुए लिखा, ये लोग कहते हैं कि ये भगवा ले आए हैं, हमारे तो तिरंगे में ही भगवा रंग है और हरा भी है, लेकिन अगर हरा झंडा लेकर घूमेंगे तो ये कहेंगे कि देखो नफरत पैदा कर रहा है ताकि लोग आपस में लड़ते रहें। लाखों करोड़ों रुपए जो अयोध्या में खर्च हुए उतने में कितने लोगों को नौकरी मिल जाती, शिक्षा मिल जाती। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी बनावटी और मिलावटी आदमी है, वो झूठ बोलने की फैक्ट्री है, भगवान राम को मोदी की क्या जरूरत है, भगवान राम चाहते तो अपना महल खुद ही बनवा लेते, लेकिन मोदी ऐसे दिखा रहे हैं कि उन्होंने राम भगवान के लिए घर और महल बना दिया, ये सब बेकार की बात है। आस्था मन में होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, पाप करते रहेंगे और राम राम करते रहेंगे तो राम आशीर्वाद नहीं देंगे, हमें दंगे फसाद से बचने की जरूरत है। भगवान राम को मोदी जी का जरूरत है, भगवान राम चाहते हैं तो अपना नहीं कटवा लेंगे हर जगह, महल नहीं कटवा लेंगे, लेकिन मोदी जी इस हिसाब से दिखाने के लिए राम भगवान को घर दे दिया, काम कीजिएगा भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे, इसलिए दंगा फसाद सबसे। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि वो लोगों को नौकरी बांट रहे हैं और बीजेपी बार बार पीछे से ईडी और सीबीआई को घुसा देती है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव की आलोचना करते हुए इसे राम का अपमान बताया। वहीं जेडीयू ने तेजस्वी के बयान का समर्थन किया। कुल मिलाकर राम के नाम पर सियासत जारी है, सवाल पूछने पर भी सत्ताधारी बीजेपी विपक्षी नेताओं को रामद्रोही घोषित कर दे रही है। तेजस्वी के इस बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।